अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। टुडे वी विल क्लोज द टॉपिक ऑफ एक्सट्रैक्शन और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आज ही शुरू कर लेंगे क्रोमेटोग्राफी का। तो एप्लीकेशन ऑफ जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो हम साथ साथ भी देखते रहे हैं कि ये हमें कहाँ पे काम आती है। अगर हम इसको समराइज करते हैं तो फॉर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज एंड फॉर आप कह सकते हो कि सेपरेशन ऑफ और या यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कि जितनी भी हम हमारे पास मेटल्स नॉन मेटल्स हैं माइनिंग के थ्रू हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से जब ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट की बात आती है तो जितने भी हमारा बायोटा फ्लोरा एंड फौना है उसके डिफरेंट जो कंपोजिशन है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं हर कंपोनेंट को, उसको अलहदा से उसके अकॉर्डिंग टू डैट स्ट्रक्चर हम उसकी एफिकेसी डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ये इन्होंने एक एक चीज़ को यहाँ पे इसमें इन्होंने 10-12 जो हैं वो एप्लीकेशंस दी हुई हैं केमिस्ट्री के रेफरेंस से और कुछ इंडस्ट्री के रेफरेंस से दी हुई है। तो ग्रेटेस्ट यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री हैज़ बिन फाउंड बाय द एक्सट्रैक्शन सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ चीलेट्स। चीलेट्स उसके बना लेंगे, सपोज लेड है तो लेड के साथ हमने 1,10-फिनेथ्रीन के साथ उसका लिगेंड के साथ रिएक्शन करके हम उसको लेड को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आयरन के लिए है, इसी तरह से क्रोमियम के लिए है। तो डिफरेंट मेटल्स के लिए हमारे पास डिफरेंट लिगेंड्स अवेलेबल होंगे और अकॉर्डिंग टू डैट हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन इज ऑफन कैरिड आउट टू कंसनट्रेट एन एलिमेंट विच अनेबल अस टू लोअर इट्स डिटेक्शन लिमिट एट द सेम प्रोबेबिलिटी। अब वो क्या कहते हैं कि अगर कोई कंपोनेंट बहुत स्मॉल अमाउंट में है हमारे पास उसकी और हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं, कंसनट्रेट करते हैं उस एलिमेंट को जिसकी वजह से हम उसकी डिटेक्शन लिमिट कौन सी है उसी सेम प्रोबेबिलिटी पर उसको उस डिटेक्शन लिमिट को जो है वो इन्हांस कर सकते हैं उसको उसको यानी कि जो हमारी डिटेक्शन लिमिट है उसकी जो उसके अंदर जो निगेशन आती है कि एक इंस्ट्रूमेंट है ना अगर HPLC है या हमारे पास मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है हम उसकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन एक चीज़ होती है। लिमिट ऑफ डिटेक्शन का मतलब है कितनी मिनिमम से मिनिमम अमाउंट को ये जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। सपोज हमारे पास अगर यही हम लेड यूरेनियम ले रहे हैं और हमारे सैंपल में कौन सा है वो यूरेनियम पार्ट्स पर बिलियन तक है तो अब लिमिट ऑफ डिटेक्शन जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की है वो पार्ट्स पर मिलियन तक है, पार्ट्स पर बिलियन। अगर इतनी लो अमाउंट में होगा तो वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन उसके लिए सूटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जी बेटा मैम हमें स्क्रीन नहीं शो हो रही। आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही? नो मैम। अच्छा मैं देखती हूँ भी ठीक है। एप्लीकेशन और इन केमिस्ट्री एप्लीकेशन अब हुआ है और मैम जी स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें प्लीज। अच्छा जी चलिए हो गया, ठीक हो गया जी। अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री एक्सट्रैक्शन की एप्लीकेशन है, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस मैम जी हो रही है। हो गई मैम, हो रही है। अच्छा चले, तो हमने क्या कहा, हमने एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। हम किसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं? हम एक्सट्रैक्शन की एप्लीकेशन देख रहे हैं। उसमें मैं अभी आपको बता रही थी कि हमने इसको सेपरेट आउट करना है बाय चीलेशन। ये इसकी एक सिंपल एप्लीकेशन है। अगर बिन वर्ड अगर आपको एक या दो नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसको फिर क्या करोगे, आप सिंपल इसको मिनिमाइज करोगे, इसको आप जो है ना वो इन शॉर्ट करोगे कि आप इसको ये सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स either in the form of chelates or ligands के साथ react करता है। तो ये आपके in one line आपकी इसकी application हो जाएगी। इसी को अगर आपने detail में करना है तो वो कहता है कि हम इसको concentrate भी कर सकते हैं element को अगर कोई amount
थोड़ी अमाउंट में है, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर एक सैंपल है, सैंपल के अंदर हमने सपोज कंटेमिनेशन देखनी है किसी भी क्रोमियम आयन की, हमने कंसंट्रेशन कंटेमिनेशन है किसी जगह पर, या आर्सेनिक की कंटेमिनेशन है, हमने देखना है कि वहाँ के जो ब्लड सैंपल्स है, जो वहाँ का एनिमल है और जो वहाँ के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें कितनी उसकी जो है वो कंटेमिनेशन एंटर हो चुकी है। तो उसके लिए वो ज़ाहिर बात है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी ना कि उसके लिए वो लेथल होगी तो सही उनके लिए, लेकिन मतलब ये कि वो स्लो पॉइजनिंग होती है जब ये कंसंट्रेट हो रही होती है मेटल इन द ह्यूमन बॉडी और इन द एनिमल बॉडी और इन द प्लांट्स टिश्यूज, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी परमिजिबल अमाउंट से तो वो कंटेमिनेशन है उनके लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि वो बहुत थोड़ी अमाउंट हमारे ब्लड में होगी या उस सैंपल में होगी, मिल्क सैंपल में हो सकती है। तो अब क्या है कि अगर मैं उसे उसके लिए सपोज मेरे पास तीन तरीके हैं, यूवी से भी हम उसके लिगेंड्स को जौन सा है चीलेट्स बना के उसका कलर कॉम्प्लेक्स बना के उसको स्टडी कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन से उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, और तीसरी कंडीशन ये है कि हम ICP से करें। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक्सट्रैक्शन इज ऑफन कैरिड आउट टू कंसनट्रेट एन एलिमेंट विच अनेबल अस lowers its detection limit at the same probability. Concentrate कर सकते हैं, देखिए अगर मेरे पास atomic absorption मौजूद है लेकिन inductive couple plasma मौजूद नहीं है तो UV की क्या है कि अगर उसकी concentration जौन सी है वो suppose 50 ppm से या milligram per liter parts per million या milligram per liter same units है ना, उसको हम SI यूनिट में मिलीग्राम पर लीटर लिखते हैं और नॉर्मली हम उसको PPB कंसंट्रेशन कह रहे होते हैं, PPM कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन कह रहे होते हैं। तो 50 PPM से ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो ये जो है हम इजीली इसका कॉम्प्लेक्स बना के UV विजिबल से इसको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कोई 1 to 10 PPM तक है, इतनी लो कंसंट्रेशन है, तो फिर हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन होना, उसकी डिटेक्शन लिमिट क्या है कि हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्ट्स पर बिलियन कंसंट्रेशन है तो तब ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जौन से हैं ये आर नॉट अनएबल टू डिटेक्ट टू एनालाइज द क्रोमियम आयन। तो उसके लिए वो क्या कहता है कि हम इसी हम ये एक तो ये है कि हम या तो उसे ICP से एनालाइज करा लें, कहीं पे पैसे दें सैंपल्स के और उसको एनालाइज कराएं। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज करें, ये वाला जो स्टेप है कि एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज करें, उस एलिमेंट को कंसंट्रेट कर लें, ठीक है ना। बार बार जो हम मल्टीपल एक्सट्रैक्शन सिस्टम यूज करके तो वो कहते हैं कि हम कंसंट्रेट कर सकते हैं सैंपल से और उसी सेम प्रोबेबिलिटी पर डिटेक्शन लिमिट जौन सी है वो उसको जो डिटेक्शन लिमिट है उसको अगर वो पार्ट्स पर मिलियन है तो अगर हमारी जौन सा है वो स्मॉल अमाउंट है तो अगर यूवी है तो हम उसे ज़्यादा कंसंट्रेट करके उस तक ले जाएं जहाँ पे डिटेक्शन लिमिट यूवी की फॉलो ऑन कर रही है, या फिर अगर वो पार्ट्स पर बिलियन में है तो उसको इतना कंसंट्रेट करें कि एटलीस्ट वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन से एनालाइज हो सके। तो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है जिसकी वजह से हम एलिमेंट जो हमारा सैंपल है उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं और फिर हम अपने एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास एज पर आवर अवेलेबिलिटी हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन कंसंट्रेशन इज जनरली कंबाइंड विद सबसीक्वेंट फोटोमीट्रिक एनालिसिस ऑफ कलर ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट, सच मेथड्स आर नोन एज एक्सट्रैक्शन फोटोमीट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस। एक्सट्रैक्शन फोटोमीट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस, क्या वो कहता है कि हम एक्सट्रैक्शन को प्रोसेस करें, ठीक है, और उसको कंबाइन करें उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम क्या यूज करें, हम उसके लिए यूवी विजिबल को यूज करें जिसकी वजह से हम उसके क्या कर सकते हैं उसकी करेक्टराइजेशन ल्यूमिनेसेंस एब्जॉर्बेंस को हम स्टडी कर सकते हैं। और इस मेथड को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्शन फोटोमीट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस। कोई भी एक सिंगल टेक्निक इज नॉट एबल टू इन्वेस्टिगेट अ कंपाउंड और सब्सटेंस और द गिवन सैंपल, वी हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक। अब कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक कैसे होगी, सपोज मेरे पास एक प्लांट सैंपल है, मैंने उस सैंपल में से फ्लेवोनॉइड्स को सेपरेट आउट करना है या उसके फिनोलिक कॉन्टेंट को स्टडी करना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका एक्सट्रैक्ट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन एक अलहदा से टेक्निक होगी। एक्सट्रैक्शन के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे क्रोमैटोग्राफी से पास ऑन करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो प्योरीफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्योरिफिकेशन के बाद क्या मैं उसे क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस एनालाइज कर सकती हूँ, नो,
अभी भी इस स्टेज पर भी हम इस काबिल नहीं है कि हम जब तक कि हम उसे क्या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस ना उसे कैरी ऑन करें, अगर हम उसका यूवी नहीं करेंगे, आईआर नहीं करेंगे, मैस नहीं करेंगे तो हम, या एनएमआर नहीं करेंगे, तो वी कैन नेवर रिपोर्ट एनी रिजल्ट्स. तो इन ऑल दिस केसेस वी हैव टू यूज़ द हाइब्रिड सिस्टम्स. तो ये वो कहता है कि अगर हम इसको कंबाइन कर लेते हैं विद दी कलर्ड ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट के साथ तो हम इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन फोटोमेट्रिक मैथड ऑफ एनालिसिस. और ये सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एनालिसिस होते हैं और तकरीबन जो एमफिल तक रिसर्च होती है वो हम इन दो चीज़ों पर बेस कर रहे होते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ यूरेनियम एज 8-hydroxyquinolate, ठीक है, 8-hydroxyquinolate के साथ हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. और यूरेनियम जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है एटॉमिक रिएक्टर में जो रिक्वायर्ड एलिमेंट होता है वो यूरेनियम होता है, इसलिए इट इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट मटीरियल. डिटर्मिनेशन ऑफ निकल एज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन कॉम्प्लेक्स, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन कॉम्प्लेक्स, निकल के साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन कॉम्प्लेक्स यूरेनियम के साथ 8-hydroxyquinolate. एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड पैलेडियम प्लेटिनम, तो ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज को रिच करते हैं. रेकोडिक का आपने पिछले दिनों केस सुना हुआ होगा, तो वो क्या था कि जो हमारे पहाड़ हैं उसमें जो बहुत रिच हैं वो इन ओर्स और इन एलिमेंट्स से, चाहे वो प्रीशियस मेटल्स हों चाहे वो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हों, तो उसको हम अपने, लेकिन हमारे पास चूँकि टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हमें लीजिंग पे डिफरेंट कंपनीज को अपनी ज़मीन देनी पड़ती है, और वो फिर क्या करते हैं कि वो उसमें से अगर 1,000 रुपया वो उतनी 1,000 रुपीज़ जो उनकी वैल्यू को वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें 1 रुपया दे देते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम हमारे रिच रिसोर्सेज होने के बावजूद हम जौन सा है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो नहीं, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है बल्कि थर्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं. सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ को भी उसी बेस पर हम सेपरेट आउट करते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ ट्रेस मेटल्स इन सिक्वेस्ट्रेशन एक्सट्रैक्शन, अब ट्रेस मेटल्स का क्या है, जो बहुत थोड़ी अमाउंट में होती हैं बट वैल्यूएबल होती हैं. तो डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन क्लोराइड एक्सट्रैक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ लेड बाय डाइथायाजोन मेथड, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर एज डाइथाइल डाइथायोकार्बामेट कॉम्प्लेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर एज नियो क्यूप्राइन कॉम्प्लेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ बेरिलियम एंड एसिटाइल एसीटोन कॉम्प्लेक्स, मोलिब्डेनम बाय डाइथायोसाइनेट मेथड एंड आयरन एज 8-hydroxyquinolate. तो अब ये क्या है, ये सारे असल में आपके पास अगर एक्सपेरिमेंट्स हों और हमारे जो है वो लैब्स कौन सी हैं वो हम रोज़ एक एक्सपेरिमेंट करें तो ये सब एक एक एक्सपेरिमेंट बनता है कि किस मेटल का किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो किस कलर का होगा, उसका यूवी विजिबल हम कैसे, किस लैम्डा मैक्स क्या होगी और किस वेवलेंथ पे वो एनालिसिस शो कर सकता है. तो ये कितने हमारे पास बन जाते हैं, ये बनते हैं 4 से लेके तकरीबन 14 तक है. तो ये लास्ट 10 जोन से हैं, ये सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज निकाल दें इसमें से और एक्सट्रैक्शन ऑफ ट्रेस मेटल्स निकाल दें तो ये बन जाएंगे 8, यूरेनियम निकल आयरन लेड 4, copper 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं. और ये जो रोल नंबर आप कह लो कि 41 से लेके 50 तक रोल नंबर जो है ये उनके लिए असाइनमेंट है कि आप सब ने इसका एक एक निकल निकल के साथ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन जौन सा है वो क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, उसका लैम्डा मैक्स क्या होगा, ये एक टेबल की फॉर्म में आप लोगों ने जौन सा है वो हर रोल नंबर वाइज कर लो. यहाँ पे इसको ऐसे करो कि आपके पास बेटा कितने ग्रुप्स हैं, मैम 10 ग्रुप्स हैं. चलें ये फिर हमारे पास 9 हो गए, मैं देखती हूँ अगर ये, तो फिर एक आपकी असाइनमेंट एक और बन जाएगी. अच्छा इंडस्ट्री में कैसे एप्लीकेशन होती है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम लीच लिक्विड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लो ग्रेड और कॉम्प्लेक्स ओर्स, इंडस्ट्री में यही चीज़ें, यही जो हम काम कर रहे हैं, ये इसने कहा कि हम
लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं और अगर हम उसको अप्लाई करें, हमारे पास अगर ऐसे रिसोर्सेज हों और ऐसी हमारी रिसर्च एजेंसी है वो इतनी ऑथेंटिक हो, तो हम यही इसी को फिर जब हम एक एक्सपेरिमेंट को करते हैं, बैच स्टडी कहते हैं इसको, कि हम लैब में थोड़ी सी अमाउंट में सैंपल्स को लेकर, रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स को लेकर एक जो है वो प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे प्रोटोटाइप रिजल्ट्स देते हैं, फिर हम उसको कमर्शियल स्केल के लिए हम उसको, मैं सपोज मैं पहले जौन सा है वो 10 ml के साथ एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, फिर मैं 1 L के साथ करती हूँ, फिर मैं 10 L के साथ करती हूँ, और फिर मैं किसी इंडस्ट्री का जो अफ्लुएंट है जो कि मिलियन में है, तो हम उसको फिर यूज़ करते हैं। तो ये ग्रेजुअली हमने अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना है और इन्वेस्टिगेट करके फिर उसे अप्लाई करना है। तो ये एक्चुअली साइंस का असल मकसद ये होता है कि हम उसे अप्लाई करें अपने अपने इकोनॉमिक्स को बेहतर करने के लिए, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी साइंस जो है वो इसी तरह सफ़े काले करने से शुरू होती है और सफ़े काले करने पर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन इट कैन बी इन्हांस्ड, इसके जो क्वालिटी है और इसकी जो अफेक्टिवनेस है इसको इनक्रीज किया जा सकता है अगर हम इस सारे प्रोसेस को, इस सारे काम को ट्रू सेंस में करें। बस थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो हमने किया वो लीच लिक्वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लो ग्रेड और कॉम्प्लेक्स ओर, यही जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी एक इंडस्ट्री का वेस्ट किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे काम कर सकता है। तो जो भी हमारे पास ये स्मेल्टिंग की इंडस्ट्री है, जो हमारे पास ये माइनिंग की है इंडस्ट्री है, तो यहाँ का जो भी अफ्लुएंट पास ऑन होगा इसमें से जितना रॉ मटेरियल, जितना भी वेस्टेज होगा, अगर हम उसको प्रोसेस करेंगे तो उससे हम वैल्यूएबल मटेरियल्स को ले सकते हैं। सेपरेशन ऑफ मेटल्स डेट आर आइदर केमिकल सिमिलर और अक्कर इन कंबाइंड स्टेट इन ओर डिपॉजिट्स। केमिकल मेटल्स डेट आर आइदर केमिकल ऐसी सिमिलर और अक्कर इन कंबाइंड स्टेट इन और डिपॉजिट्स, हम सेपरेट कर सकते हैं केमिकल्स को, मेटल्स को जो कि केमिकली, जिस तरह देखिए यहाँ से हमने इनका कॉम्प्लेक्स बनाया, उसको एनालिसिस किया, यहाँ पे वो क्या कहता है कि अगर किसी इंडस्ट्री में जो है उसके कॉम्बिनेशन के साथ वो मौजूद है तो हम उसे सेपरेट स्टेट में भी ऑब्टेन कर सकते हैं। वही बात आगे प्योरिफिकेशन के वर्ड्स में उसने कह दिया, प्योर स्टार्टिंग मटीरियल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। स्टडी ऑफ अफेक्ट ऑफ पोटाशियम क्रोमियम मैग्नीशियम ऑन टोमेटो क्रॉप, कि यही जो अब हमने क्या किया इसको फर्दर अप्लाई कर रहे हैं कि जो हमने सेपरेट आउट करें हम देखें कि ये मेटल्स फिर उसका अफेक्ट क्या होता है। यही जो देखें हमारे पास जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उसमें 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटाशियम, और उसके बाद ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, बोरोन होता है, क्रोमियम है, लेड है, कि अगर एक खास अमाउंट से ज़्यादा होगा तो वो टॉक्सिक है, लेकिन अगर मिनिमम अमाउंट में ये चीज़ें प्लांट्स को और एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को भी रिक्वायर होती हैं, तो उसका इन मेटल्स का, नॉन मेटल्स का अफेक्ट हम डिफरेंट जो है वीट क्रॉप पे, टोमेटो पे, किसी भी क्रॉप पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द सॉइल नेचर भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि हम सॉइल का एनालिसिस करें कि कौन से मटेरियल जो सा है, कौन से ट्रेस एलिमेंट जो है वो उसमें अमाउंट में कम है, ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको दें। वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम मल्टी विटामिंस लेते हैं ना, एट स्पेसिफिक जौन सा है पर्सन टू पर्सन कस्टमाइज्ड होता है, इसी तरह से ये भी कस्टमाइज्ड जो है वो रिक्वायरमेंट होती है सॉइल के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से, उस रीजन के किस रीजन पे ये सारा काम हो रहा है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, तो मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल पॉइजन्स, अभी बात हो गई यूरेनियम की। इन ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री में ये प्रोसेस हो रहा होता है, सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री में कैसे ये प्रोसेस हो रहा है कि जितने भी देखें अब आपके ये जो आपका ये जो पोल्ट्री का है, पोल्ट्री के जितना वेस्टेज मटीरियल है उस सारे को हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट द जो है वो फैट एंड ऑयल, और उसके बाद उसका जो रिमेनिंग है उसको हम सोप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और कर रहे हैं, और उसका जो जो उसका वेस्टेज होता है उसे फिर हम बायोडीजल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक चेन प्रोसेस होता है किसी भी जगह का जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करने का, और लास्ट जो हम जिस तरह करते हैं कि जो चीज़ है उसको बस कूड़ा बनाया और वेस्टेज में डाल दिया और वो भी फिर उठाना नहीं है, ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ जियोलॉजिकल सैंपल्स
की बेस पर हम कर सकते हैं यूज इसको, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड स्टफ, एनालिसिस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, लैंथेनाइड्स कैन बी सेपरेटेड बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ नाइट्रेट्स विद ईथर और साइक्लोपेंटेन एज सॉल्वेंट. साइक्लोपेंटेन को साइक्लोपेंटेन और ईथर को हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज करेंगे और लैंथेनाइड को हम सेपरेट करते हैं. हाफनियम जिरकोनियम कैन बी सेपरेटेड यूजिंग दिस टेक्निक. प्योरिफिकेशन ऑफ थोरियम नाइट्रेट हैज बीन कैरिड आउट बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक. बेरिलियम फ्रॉम लो ग्रेड बेरिलियम और हैज बीन मेड पॉसिबल बाय दिस टेक्निक. बोरिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक फ्रॉम लोकली अक्रिंग लो ग्रेड ब्राइन्स, के ब्राइन से हम बोरिक एसिड ले लें. तो ये ब्राइन जो लास्ट है आपके पास 15th पॉइंट है, पहले 9th है और ये 10th पॉइंट है. बोरिक एसिड को हम कैसे ब्राइन से सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्या सिस्टम होगा? ये 10 बेटा आपके पास है जो आप कह लो के पॉइंट्स हैं, इनका आप सबने वन पेज असाइनमेंट बना के भेजनी है कि ये कंपाउंड जो है सॉल्ट या ये जो आपके पास एलिमेंट्स है ये 15 पॉइंट है कि बोरिक एसिड को ब्राइन से कैसे अलहदा करना है, और आयरन 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलेट, मोलिब्डेनम का थायोसाइनेट मेथड, बेरिलियम का एसिटाइल एसिटोन कॉम्प्लेक्स. ये जो मैंने यहाँ से आपको बताया 4 नंबर से लेकर ये 2 यहाँ से इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, और बाकी ये सारे हर ग्रुप को ये सी आर या जी आर एलोकेट कर दें. 1 से लेके ये 1 को शुरू करें 4 पॉइंट देना, सेकेंड ग्रुप को 5th पॉइंट, इस तरह से एलोकेट करके तो आप सब लोग एक एक असाइनमेंट जोन है कमिंग मंडे तक जो है वो अपलोड कर दीजिएगा. ठीक है, मैं इसको वहाँ पे भी शो ऑफ कर दूंगी. मैम जो लास्ट पे एक ग्रुप रह जाएगा उसको फिर कौन सी देंगे? बोरिक एसिड वाला 10वां कहा है ना मैंने उसको लास्ट, ये 9 यहाँ बनेंगे ना. ठीक है ना, और 10वां बोरिक एसिड की एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ब्राइन. तो ये कौन सा है, ये आपने वन पेज समरी सिर्फ बनानी है, एलिमेंट उसके रिएजेंट्स लिखने हैं, उसके कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, उसका उसका कलर आएगा या नहीं, या उसकी लैम्डा मैक्स क्या होगी. सिर्फ आपको नेट से ये मुश्किल से आपका 10 मिनट का जो है ना वो सर्चिंग है इसकी. ठीक है, और अगर प्रोसेस सारा. हाँ जी मैम, प्रैक्टिकल्स के लिए आना यूनिक नहीं आना बेटा? ये आज मेरी मीटिंग है, मैं बता दूंगी आपको कौन से डेज हमें एलोकेट होते हैं, तो वो हम उन एलोकेटेड डेज में आप लोग आकर तो वो अकॉर्डिंग टू डैट के आपके बाकी भी जो प्रैक्टिकल्स वाले हैं कोर्सेज हैं वो सबको मेरे ख्याल डेज एलोकेट होंगे कि 2-2 दिन में या 3-3 दिन में आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर लीजिएगा, 6-6, 7-7 जो भी हैं आपके. ठीक है मैम, जो प्रैक्टिकल के पेपर होंगे वो भी ऑनलाइन ही है? प्रैक्टिकल के पेपर का भी कोई नहीं पता हमें, बाकी ऑप्शंस आपको दे दी हैं कि जिसने ऑनलाइन देना है या फिजिकल देना है वो आप लोग ले लें, कौन सा पेपर आप दे रहे हैं, चांस आपके पास इस दफा एक ही होगा. ठीक है मैम, थैंक यू. ठीक है, अच्छा ये हमारे पास था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी के लिए अच्छा जी शेयर होगी बेटा आपके साथ स्क्रीन क्रोमेटोग्राफी की? जी मैम. जी क्रोमेटोग्राफी नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक जो हमने स्टडी करनी है जो हमारे सिलेबस में है दैट इज द क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपको पता है क्या क्या है? ये कि हमारे पास टू फेज सिस्टम होता है और एक को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज और एक को कहते हैं मोबाइल फेज. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फेजेस हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी है, स्टेशनरी क्रोमेटोग्राफी है या ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, या हम इसको फर्दर इसके ना मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि हमने फिर फर्दर अकॉर्डिंग टू डैट के आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, लेकिन हम इसको दो ही बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. तो आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. क्या है? एनालिटिकल टेक्निक है सेपरेशन आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन of closely related chemical components of a complex mixture organic substance like amino acids sugars vitamins hormones plant pigments bahut sare substances ko jo hai wo wide range of
कंपाउंड्स बेसिकली जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वहां पे हम ज्यादा इनऑर्गेनिक जो हमसे मटेरियल्स है उनको डिस्कस कर रहे होते हैं, जबकि क्रोमेटोग्राफी में हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को सेपरेट कर रहे होते हैं और स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिक दोनों का डिफरेंस है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एम स्वेट और रशियन बॉटनिस्ट था 1906 में। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक टू सेपरेट वेरियस प्लांट पिगमेंट्स क्लोरोफिल जैंथोफिल एंड सेवरल अदर कलर्ड सब्सटेंसेस बाय पासिंग सॉल्यूशन ऑफ दीज कंपाउंड्स थ्रू अ ग्लास कॉलम पैक्ड विद फाइनली डिवाइडेड कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहली दफा ये कैल्शियम कार्बोनेट के कॉलम से आप इसको जैंथोफिल और क्लोरोफिल के जो मिक्सचर था उसको उसने सेपरेट आउट किया। ग्लास कॉलम में आप इसने जो है कैल्शियम कार्बोनेट की स्लरी को पैक किया और फिर वो एक्ट कैल्शियम कार्बोनेट ने एक्ट किया एज एन एडसॉर्बेंट और डिफरेंट एक्सटेंट में हमारे पास डिफरेंट कलर बैंड्स कौन से हैं वो डिफरेंट पोजिशंस पे डेवलप हो गए। वो किस वजह से डेवलप हुए, क्योंकि जो जैंथोफिल था जो क्लोरोफिल था उनकी डिफरेंट एडसॉर्प्शन कैपेसिटी थी ऑन द कैल्शियम कार्बोनेट कॉलम, तो इसलिए इसका नाम जो है वो कलर डेवलप हो गया था। तो इसलिए क्रोमेटो से क्रोमा जो है वो ग्रीक मीन किसका है कलर। तो कैल्शियम कॉलम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिमेन्स स्टेशनरी फेज एंड इज देयरफॉर इट इज रेफर्ड एज स्टेशनरी फेज। द सॉल्यूशन ऑफ द वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट मूव्स और फ्लोज डाउन इन द कॉलम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द मोबाइल फेज। तो इसलिए द क्रोमेटोग्राफी में बी कंसिडर्ड एज अ मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट अकर्स बिटवीन स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। डेफिनेशन क्या है इसको कह सकते हैं इसकी, क्रोमेटोग्राफी में भी डिफाइंड एज अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट ब्राउट अबाउट बाय डायनामिक पार्टीशंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसॉल्वड मटेरियल बिटवीन टू इमिजिबल फेजेस वन ऑफ विच द मोबाइल फेज एंड मूव्स पास द अदर कॉल्ड द स्टेशनरी फेज, ठीक है ना। वहां पर भी क्या था इमिजिबल थे लेकिन वहां पर दोनों लिक्विड क्रोमेटोग्राफी थी, यहाँ पर क्या लिक्विड सेपरेशन थी और यहाँ पे सेपरेशन है लिक्विड सॉलिड की बेस पर। द क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप के एड्सॉर्प्शन होती है, एड्सॉर्प्शन को हम रिटेंशन भी कह सकते हैं स्टेशनरी फेज पर एंड सेपरेशन ऑफ द एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस बाय मोबाइल फेज एंड रिकवरी ऑफ द सेपरेटेड सब्सटेंसेस बाय कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ मोबाइल फेज, द मेथड बीइंग कॉल्ड इल्यूजन। कि फिर हम उस जो मोबाइल फेज है उससे हम इल्यूजन भी कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं अपने मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट को। क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली एनालिसिस है जो लूटेड सब्सटेंस है वो जो पीक है वो किस पोजीशन पर आती है, ठीक है ना। जो क्रोमेटोग्राफी ये क्रोमेटोग्राफ होता है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो है इसकी पीक की जो पोजीशन है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, इट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटेटिव एनालिसिस कि हम ये पीक कौन सी है। सपोज एक आपके पास जैंथोफिल है तो जैंथोफिल एक ही पोजीशन अगर हम, लेकिन मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज फॉर अ स्पेसिफिक मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज पीक कौन सी है वो हमेशा एक ही पोजीशन पर आएगी, ठीक है। तो लेकिन द एरिया बिटवीन अंडर दिस पीक ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बताता है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है आपको पता चल गया, इसमें सेपरेशन होती है किसकी बेस पर, सॉलिड लिक्विड फेज बेस की फेज पर। जो सॉलिड होती है उसे स्टेशनरी फेज कहते हैं, जो मोबाइल होती है जो आपका सॉल्वेंट होता है उसे मोबाइल फेज कहते हैं। अच्छा अब क्या है कि जो यहाँ पे सॉलिड के साथ एक्सट्रैक्शन अफिलिएशन ज्यादा होगी उसे एड्सॉर्प्शन कहेंगे, जहाँ मोबाइल फेज के साथ अफिलिएशन जिस सॉल्यूट की मिक्सचर में ज्यादा होगी वो पहले लूट आउट हो जाएगा, वो पहले पास ऑन हो जाएगा, उसे मोबाइल फेज के साथ कहेंगे। अब हम रिकवर भी कर सकते हैं एल्यूजन के थ्रू और जो स्पेक्ट्रा आता है वो हमें क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा क्लासिफिकेशन है ऑन द थ्री बेसिस पे हम कर सकते हैं, वो कहता है फिजिकल स्टेट ऑफ द मोबाइल एंड द स्टेशनरी फेज, ठीक है। जो फिजिकल स्टेट है कि लिक्विड लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड है, गैस लिक्विड है, ये भी हम देख लेते हैं कि कितनी तरह से हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज की बेस पर हम इसको सेपरेट क्लासीफाई करते हैं।
by the method of contact between the mobile and the stationary phase, by the chemical and physical mechanism responsible for separating the samples constitution. कि samples कौन सा है वो किस base पर separate out हो रहे हैं, उस base पर भी हम इसको separate कर सकते हैं. Mobile और stationary phase के दरमियान जो contact है सल्यूट का, उसकी बेस पर भी मेथड, किस मेथड के थ्रू हो रहा है. वेरी फर्स्ट क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज. अगर तो मोबाइल फेज लिक्विड है, सॉलिड फेज, जो स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकती है, मोबाइल फेज लिक्विड और स्टेशनरी फेज सॉलिड, ठीक है, तो वो क्या होगी, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी. दोनों लिक्विड हो सकती हैं, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. मोबाइल फेज गैस हो सकती है और स्टेशनरी फेज सॉलिड हो सकती है, तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी. और मोबाइल फेज गैस और जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड हो सकती है, तो हम इसे कहेंगे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है. अब किस बेस पर सेपरेशन हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द स्टेशनरी फेज. हम इसको क्या नाम देंगे, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड एंड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी. अच्छा, अब जो है कॉन्टेक्ट बिटवीन मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज और जो मोबाइल फेज के दरमियान में कॉन्टेक्ट कैसे है, ठीक है, उसकी बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं. देखिए आप लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, सॉलिड स्टेशनरी फेज हेल्ड इन अ ट्यूबुलर कॉलम through which the mobile phase moves under the influence of gravity or pressure. जैसे अभी xanthophyll और chlorophyll separate out हुए थे, वो कौन सी क्रोमेटोग्राफी कहना था हमने उसको, लिक्विड सॉलिड, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट था आपके पास और लिक्विड जो था वो उसके सोल्यूट सोल्यूशन था, इसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं. और अगर उसमें हमारे पास कोई आयंस अवेलेबल है, सपोज हमने उसके अंदर लेड नाइट्रेट डाला है, तो लेड एड्सॉर्ब हो जाएगा, नाइट्रेट पास ऑन हो जाएगा, तो फिर यही क्रोमेटोग्राफी जिसको हमने लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहा है, हम इसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं. क्यों, अगर वहां पर स्टेशनरी फेज कौन सी है, वो वहां पर कोई आयन एक्सचेंज रेजेंस यूज हो, ठीक है ना. अब लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या था, कि लिक्विड स्टेशनरी फेज हेल्ड इन द पोर्स ऑफ द थिक पेपर, मोबाइल फेज मूव थ्रू द स्टेशनरी फेज बाय कैपिलरी एक्शन और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. पेपर क्रोमेटोग्राफी, आपका पास जो फिल्टर पेपर जो आपके पास क्रोमेटोग्राफ होता है, उसको आप पहले जो है वो उसको हमने वाटर और कोई सा भी आपके पास सॉल्वेंट एथेनॉल के साथ मिक्सचर करते हैं, तो जो वाटर होता है वो सारे का सारा क्या कर देता है, उसका वो स्टेशनरी फेज बन जाता है, वो जाके जो आपका क्रोमेटोग्राम है उसके पोर्स में एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेज, ठीक है. और जो आपका पेपर होता है वो वहाँ पर सपोर्टिंग मटीरियल होता है, वो वहाँ पे एड्सॉर्बेंट नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो वहाँ पर एक सपोर्टिंग मटेरियल है. और जो वहाँ मोबाइल फेज है वो कौन सी है, वो एथेनॉल या मेथनॉल है, और जो स्टेशनरी फेज है वो वाटर वेपर्स हैं जो कि ऑन द पेपर क्रोमेटोग्राम पर है, ठीक है. तो इस तरह की क्रोमेटोग्राफी को हम कहेंगे लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. इसकी एग्जाम्पल क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी की. गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड स्टेशनरी फेज हेल्ड इन अ ट्यूबुलर कॉलम, जिसे गैस जीसी आप कह सकते हो. गैस क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो स्टेशनरी फेज है वो ट्यूबुलर कॉलम में होगी, और यहाँ पे लिक्विड नहीं होगी मोबाइल फेज, बल्कि क्या होगी, वो मोबाइल फेज एक गैस की फॉर्म में होगी. तो इसी तरह से गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, अब जहाँ पे हमने गैस यूज की थी एज अ मोबाइल फेज, अब यहाँ पर क्या है कि गैस कौन सी है, वो मोबाइल फेज है, लेकिन सॉलिड की जगह हमारे पास जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड नहीं है, बल्कि वो कोई लिक्विड है. तो लिक्विड स्टेशनरी फेज एड्सॉर्ब ऑन द पोरस सॉलिड हेल्ड इन अ ट्यूब. और जिस तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी में था, सेम इज द केस हेयर, तो कि यहाँ पर अब जो सपोर्टिंग मटीरियल है उसके जो पोरस है वो, और उसमें सिलिका जेल होती है नॉर्मली हमारे पास, उसके में जो सॉल्वेंट होता है वो एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेज, और जो गैस होगी वो पास ऑन होगी साइड बाय साइड और वो कैपिलरी ट्यूब के थ्रू इनर सरफेस में, तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास मोबाइल फेज है. तो इस तरह की क्रोमेटोग्राफी
को हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। लास्ट इसकी जो क्लासिफिकेशन की बेसिस है वो मैकेनिज्म की बेस पर है कि आइदर वो एड्सॉर्प्शन हो रही है, आयन एक्सचेंज की बेस पर हो रही है, पार्टीशन की बेस पर हो रही है। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वहाँ पे एड्सॉर्प्शन होती है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। आयन एक्सचेंज में आयन एक्सचेंज होता है तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी है वहाँ पे क्या होता है, पार्टीशनिंग होती है बिटवीन द सल्यूट एंड द टू इमिजिबल लिक्विड। क्या आपके पास वो था ना पेपर क्रोमेटोग्राफी में वाटर था एज अ स्टेशनरी फेज, तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टीशनिंग हो रही है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, पार्टीशनिंग, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी नहीं है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि सॉलिड इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो अब एज एन इट एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज, तो इसका मतलब है यहाँ पे एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हो रही है। इसका प्रिंसिपल क्या है, एड्सॉर्प्शन। और जब गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है तो इसका मतलब है यहाँ पे लिक्विड फेज कर रही है एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज, तो इसका यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, पार्टीशन ऑफ सल्यूट बिटवीन गैसोइक मोबाइल फेज एंड द लिक्विड स्टेशनरी कोटेड ऑन द सॉलिड पैकिंग मटीरियल। ठीक है, इसको हम कहेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। द बेसिस ऑफ सेपरेशन इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड टीएलसी वेरी बेसिक टेक्निक्स हैं जो कि हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस दे देती हैं, बहुत छोटी छोटी सी जो हमारी सिंथेसिस होती है। तो टीएलसी कैन आइदर बी एड्सॉर्प्शन फॉर सॉलिड स्टेशनरी फेज और पार्टीशन फॉर लिक्विड स्टेशनरी फेज। कि अगर स्टेशनरी फेज वहाँ पर टीएलसी के ऊपर सॉलिड आएगी तो हम इसे कहेंगे ये आप काम करिए एज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और अगर वो स्टेशनरी फेज हम उसमें कोई लिक्विड डाल देते हैं तो हम कहेंगे नाउ इट इज द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। द मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड नाउडेज विच इंक्लूड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी। Sometimes इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, सुपर क्रिटिकल फ्रूट क्रोमेटोग्राफी विच आर बियॉन्ड द स्कोप। अब इस वक्त हमें हमारे पास हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है तो इसमें वो अलहदा से डिस्कस नहीं किया हुआ। हाई प्रेशर में क्या होता है कि हम मल्टीपल डिफरेंट जो है ना सॉल्वेंट सिस्टम वो डिवेलप कर सकते हैं डिफरेंट रेशियोज के साथ, और वहाँ पे हम ऑटोमेटेड होता है इंस्ट्रूमेंट। हम देखते हैं कि हमने इस सपोज हमने 1:2 की रेशियो से एथेनॉल और वाटर का सोल्यूशन लेना है जो कि एक्ट करेगा एज अ मोबाइल फेज, या 1:1:1 3:4 मल्टीपल जोन से हैं वो सॉल्वेंट सिस्टम को एट अ टाइम रन कर सकते हैं, उसको टाइम के साथ भी ऑटोमेशन के दे सकते हैं कि इतने मिनट के बाद ये वाला कॉम्बिनेशन पास ऑन हो जाए, इसके मिनट के बाद सिर्फ वाटर पास ऑन हो, तो हम जो है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को ईजिली सेपरेट आउट कर लेते हैं बाय द एचपीएलसी। साइज एक्सक्लूजन में हम किसकी बेस पर सेपरेशन करते हैं, साइज ऑफ द जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं, माइक्रो मालिक्यूल है, नैनो मालिक्यूल है, किस तरह साइज का वो माइक्रो, किस साइज में हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, और हम उसकी बेस पर सेपरेट आउट करते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 से 10,000 तक के सब्सटेंसेस को अलग कर ले, 10,000 से लेके 50,000 तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट आउट कर दे। सुपर क्रिटिकल फ्रूट क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि सपोज आपके पास एक आलमंड है ना, तो आलमंड में बहुत सारे जो है वो बहुत बायो एफिकेसी उसकी बहुत ज़्यादा है, हम उसमें से जो उसके इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो हम उसको फास्ट प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देकर वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल देकर हम उसको वो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलहदा कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। इवन एक बंद बादाम में से एक बादाम जिसको आपने इसका छिलका नहीं तोड़ा हुआ और आपने उसको, और उसके बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो निकाले जा चुके हैं। तो आजकल जो है बहुत सारी चीज़ें हमारी मार्केट में आती हैं, हम उसे लेते हैं, जो दूसरे मुल्कों से भी आ रही होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं चूँकि हमारे यहाँ को इसकी इतनी क्वालिटी कंट्रोल का मेथड मैकेनिज्म नहीं है, तो वो सारे जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जा चुके होते हैं बाय दीज हाई टेक टेक्निक्स के। सुपर क्रिटिकल फ्लूड क्रोमेटोग्राफी तो ऐसी टेक्निक है जिसमें वो जो आपका मटीरियल है वो कोई जज ही नहीं कर सकता कि इसको प्रोसेस किया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये दीज आर द इंट्रोडक्शन, आप इसको कह लो क्रोमेटोग्राफी का, उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा सेकंड था वो क्या थी, कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज। गॉट इट? यस मैम।